अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। शिकोहाबाद ब्लॉक के गांव कंथरी का दौरा किया, वहां के मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों के आगमन को लेकर पहले से ही साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। यहां तक कि गांव को जाने वाली सड़क पर भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लगाकर साफ सफाई कराई गई। साफ सफाई के काम में करीब आधा दर्जन लोग काम करते हुए देखे गए। फिलहाल सीटीओ ने जब गांव का दौरा किया उस समय वीडियो शिकोहाबाद डॉक्टर योगेंद्र कुमार, डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा, एडीओपी निर्मल यादव, सचिव श्याम सुंदर, ब्रजराज सिंह, अनिल कुमार, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार मौजूद थे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। हमें लारवा की कोई किसी तरह की प्रेजेंस हमें नहीं मिली है, फिर भी हम लोग हमने इनको कहा है कि एक बार अपनी तरफ से फिर से अभियान को एक मजबूत तरीके से करा के जो घर अगर बच गए हैं उसको भी निगरानी समिति के द्वारा कार्रवाई कराएं, और साथ ही साथ हमने तालाब के बारे में बताया उसमें भी इन लोग को एक विशेष सफाई अभियान चलाने के। सर अगर देखा जाए सर फिरोजाबाद में सबसे बेहतर अगर कोई काम कर रहा है तो युवा जो प्रधान इस समय वो कंथरी में, तो सर क्या कहेंगे इनके लिए जिस तरह से जो काम देखा जा रहा है, जो जमीन स्तर पर काम बाकी भी दिख रहा है और जो सोच है उनकी पीड़ा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इनके द्वारा काफ़ी सही इनिशिएटिव देखा है अभी हम लोगों ने, यहाँ की गलियों में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी से सफाई वगैरह मेंटेन करी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के आसपास के जो भी प्रधान हैं वो भी इस तरह से जो है इनिशिएटिव लेकर, अगर लोकल लेवल से इनिशिएटिव आएगा तो गाँव का आदमी भी मोटिवेट होगा और हमें एक अच्छा काम जो है गाँव में देखने को मिलेगा। इस आदरणीय सीडियो सर और टीकर सर एनडीओ सर हैं, इन्होंने माननीय सीडियो सर ने स्वच्छता के लिए काफ़ी अच्छा कहा और निगरानी समिति का कार्य भी अच्छा बताया, और तालाब है उसके लिए भी सफाई के लिए बताया और लगातार लोगों को जागरूक करते रहने के लिए बताया है कि घर में कूलर है, कूलर का पानी निकालते रहें या अभी चलाए नहीं, और घर की जो ट्रे होती है उसको भी हम लोग लगातार कंडी में साफ करते रहें, उसके लिए काफ़ी कहा गया है, और फुल वाद के कपड़े पहनने के लिए उन्होंने निर्देश दिए गए हैं। आपके अंतर्गत कितने गाँव आते हैं? मेरे पास 6 ग्राम पंचायत। तो सभी गाँव में एक जैसी व्यवस्थाएं हैं कम ज़्यादा हैं? जी नहीं, सभी जगह तो नहीं है, लेकिन सभी जगह में अच्छी हैं ये नहीं कह सकते ख़राब है, सभी सुचारू रूप से कार्य हो रहा है, लगातार सफाई कार्य हो रहा है, एंटी लारवा का छिड़काव हो रहा है, तालाबों की सफाई भी हो रही है, और सभी गाँव में सभी लोगों को निगरानी समिति द्वारा, मेरे द्वारा, प्रधान जी द्वारा सभी को मोटिवेट किया जा रहा है कि स्वच्छता से रहें और खुला कपड़े वगैरह पहने, लगातार हमारी निगरानी समिति की टीम कार्य कर रही है।